उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पिछले कई महीने से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़िये अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और अब आलम यह है कि लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। इन सब के बीच जहां एक ओर वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो पाई है, तो वहीं कई भेड़िये अभी भी आजाद घूम रहे हैं जिनका ठिकाना अब ग्रामीणों ने खोज निकाला है। दरअसल बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग द्वारा उन्हें पकड़े जाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ पेड़ों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भेड़ियों का एक मांद सिकंदरपुर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, जिसकी सूचना के बाद वन विभाग ने वहां पर चौकसी बढ़ा दी और साथ ही मांद के आसपास कैमरे लगा दिए ताकि भेड़िये को ट्रैक किया जा सके। लेकिन चालाक भेड़िये ने अपनी पुरानी मांद छोड़ उससे 200 मीटर दूर एक नई मांद बना ली, जिसे देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। बता दें कि पहले मांद के आसपास कैमरा लगने के बाद भेड़ियों ने चालाकी दिखाई और वहां से 200 मीटर दूर एक गन्ने के खेत के पास अपना ठिकाना बना लिया और आज सुबह जब ग्रामीण खेत की तरफ गए तो भेड़िये का नया ठिकाना देख हैरान रह गए। इस दौरान ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा सुनिए। तो भेड़िये का है, ये लोग घास काटने आए थे, पूछ लीजिए, इन लोगों ने भी देखा। अच्छा, और इससे कुछ दूरी पर भी मांद है? हाँ, 150 मीटर होगा। ये पुरानी मांदे हैं जो 7 पहले पाई गई थी, जहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, वो 150 मीटर होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि नया ठिकाना वो भेड़ियों ने बनाया? हाँ, नया ठिकाना तो है ही, ये तो नई मांद है। अच्छा, इसमें क्या हलचल दिख रही है? कुछ हलचल दिखती है क्या? हलचल का अजीब सी स्माइल आ रही है और यहाँ पे एक बकरी की खाल भी मिली थी जो आज गायब है। वहीं भेड़िये के इस नए मांद और उनके आतंक को लेकर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा सुनिए। उसके बाद ये दूसरी मांद जो मिली है, हमको लगता है ये बहुत होशियार प्रजाति होती है, बहुत समझदार प्रजाति होती है। इन्होंने नई मांदों का कई जगह प्रयोग किया, चालू किया है और इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। ये 1, 2, 5, 6 जितना वन विभाग बता रहा है, हमको लगता है इससे ज़्यादा होनी चाहिए इनकी संख्या। तो आप क्या मांग करते हैं? हम शासन और प्रशासन दोनों लोगों से मांग करते हैं कि जितने लोग मृतक हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनका आवास दिया जाए, उनके परिवार की बैकिंग की जाए और जो घायल हैं उनको भी वही व्यवस्था दी जाए। जिनके घरों में दरवाजे नहीं या जिनको आवास की ज़रूरत है, बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ। ऐसे में जहां एक ओर बीते दिन 5वें भेड़िये के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, तो वहीं दूसरी ओर आज भेड़ियों का नया मांद मिलने के बाद ग्रामीण फिर से दहशत में आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस मांद के मिलने के बाद वन विभाग की टीम क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।